इंशाल्लाह बहावलनगर में शहर ही जीतेगा। शहर क्यों? काम काफी हुआ है, बिजली आ रही है। बिजली आ रही है बहावलनगर में। पहले सड़कें सारी टूटी हुई थी, सारी सारी रोड बन गई है। मेडिकल का हॉस्पिटल की शक्ल बदल गई। आप हॉस्पिटल जाके देखिए। कॉलेज तो नहीं बना ना अभी तक। मेडिकल कॉलेज 2017 में उसको इनॉग्रेशन होनी थी। हाँ जी, होनी अभी तक नहीं बना, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम, साफ पानी नहीं मिल रहा, सारे बीमार का है इशू। उसमें लाइनें वगैरह तब्दील होने वाली है। कितने फुट पानी खड़ा होता है यहाँ? अभी बारिश हो जाए तो पानी इधर लेकिन निकल जाता है। पहले दो डाइवर्ट तो खड़ा था ना? हाँ जी बिल्कुल, ये अंदरून शहर में पानी का मसला, यानी सीवरेज का और पानी का काम नहीं हो सकता। सीवरेज और पानी का बिल्कुल मसला है, लेकिन अभी राणा साहब आपके ढीले रहे ना, फिर टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन काम काफी किए भी हैं। अभी मजीद राणा साहब ढीले रहे ना, फिर ना पानी का मसला हल हुआ ना सीवरेज का मसला, वही थे एमपी ना। हाँ जी, वही उन्होंने किए हैं काम, लेकिन अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया ना वो, लेकिन वो सियासी कारकुन भी हैं, उन्होंने मेहनत की है, उस वजह से आए। मेहनत की है? हाँ जी बिल्कुल है, काम किया। ये जो बल्दिया चेयरमैन है, अभी बारिश हो जाए तो उनकी वर्किंग बहुत होती है शहर के अंदर। वो पीटीआई का कौन कौन है आप में से? पीटीआई का कौन है? क्यों पीटीआई को क्यों वोट देना? पीटीआई को हम आजमाना चाहते हैं एक दफा। उंगली का गढ़ है बाबा, सही कह रहे हैं, गढ़ है, लेकिन हम आजमाना चाहते हैं। 34 साल से हम दोनों पार्टियों को ना देख देख के ना अब हम थक चुके हैं। लेकिन काम तो किया ना मेरे भाई, काम किया है, काम किया है ना। करप्शन भी की। किसने करप्शन की? सारों ने की। कल आपने देख लिया? नहीं, आपके लालिका साहब ने की, पिछले एमपी एमएलए सारों ने की है, मिलकर की है। मेरे हिसाब से तो नहीं की है। नहीं भजन की है। की है? की है। काम किया है कि नहीं किया? काम भी किया है, 50% काम। पूछता मुझे बताओ, तुम्हारे इलाके में साफ पानी मिलता है? फिल्टर पानी? साफ पानी फिल्टर पे हम सुबह जाते हैं 8 बजे 11 बजे फिल्टर पे से पानी लेकर आते। क्यों? देख ले, लेने कतारें लगी हुई हैं, पानी हमारे घर में आता है। इतनी पानी यहाँ कितना खड़ा होता है? पानी जब बारिश आती है तकरीबन 2.5 से 3 फुट खड़ा होता है। खड़ा होता है? हाँ। और कितनी देर में निकलता है पानी? निकलता है तकरीबन घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। ये पिछले रोडों में तो एक से दूसरे दिन तक खड़ा रहता है। बाजार डब्बा बाजार हमारे दुकानदार भाई जो ताजर भाई हैं वो बंद करके घर चले। ऐसी कौन सा काम किया नून लीग ने? ऐसे एम पी ए ने राणा राउफ ने कौन सा काम किया मुझे बताया? अरे सड़कें बनाई हैं। 10 साल शहर वालों ने उसे मौका दिया, आज तक गंदा पानी, सेवरेज का पानी गलियों में। जिस गली में आप कहोगे, जिस मोहल्ले में आप कहोगे, आपको ले चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। कौन सा काम किया है? क्या हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? शहबाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रहा कि एक चोर को 2 दफा टिकट दे रहा, 3री दफा फिर उसी को टिकट दे? क्या हुआ टिकट दे? टिकट दे दिया तो फिर उसने काम किए कोई? वोट किसको देना अब? अब हम किताब को वोट देंगे। किताब को वोट देंगे? आपने पीटीआई को देना? मैंने पीटीआई सुहेल खान को। सुहेल खान, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। बोले जी, ना लाहौर ना कसूर ना ते छांगा मांगा, बहावलनगर का एक शहजादा उनका निशान तांगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किसको जितवा रहे हैं यहाँ से, नून लीग के पीटीआई को? सुहेल खान को जी। सुहेल खान को? सुहेल खान तो बड़ी सीट पे है ही नहीं। बड़ी सीट पे किसको? बड़ी सीट पे पीपला जी, बल्ले को जी। बल्ले को? हाँ जी, मुतियाना साहब। हाँ जी, नून लीग ने काम नहीं किया? नहीं, काम किया है जी, मुतियाना साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। किन्नू जितवा किन्नू रहे हो? शेर नू। हाँ जी। लालिका साहब? हाँ जी। क्यों उन्होंने कुछ जितवाना? बस अभी तो दिना काम शाम किया है, चंगे लगे। सारे काम करता है, पानी भी बिजली भी सारा कुछ देता है। भुक्की मारते थे बेल्डिंग वाले तो बैठे रहते थे, काम होता ही नहीं सी। हूँ काम होता है, हूँ अल्लाह का शुक्र है, बिजली भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। मुझे बताओ जितवाना किसको है? नून लीग को? पीटीआई नून लीग को। क्यों? बस उन्हें काम करे ज्यादा, इसलिए। कौन से वाले करे यहाँ पे? यहाँ बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, और बस यही। बिजली आ रही है, साफ पानी मिलता है? हाँ जी। फिल्टर वाला? हाँ जी, फिल्टर पे आता पानी। शेर ही जीतेगा? शेर जीतेगा। क्यों? शेर ने काम करे हैं जी। काम करे? कौन से काम? काम काम इधर जो जितने भी गाँव हैं, पक्की सड़कें जा रही हैं, कारपेट रोड। साफ पानी मिलता है? साफ पानी तो जी कहीं भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है? लाहौर में मिलता है? पूरे पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, सब साफ पानी मिलता है। इधर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगले देगा सालों में। पानी भी देगा, गैस भी देगा। अस्पताल सही? अच्छा माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है। कुछ तो बुरा होगा? नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। सब अच्छा किया? बुरे तो हम हैं। अच्छा, बुरे हम। लालिका साहब को जितवाना है? एनटीआई को क्यों नहीं? बस जी अपनी अपनी चॉइस है। जूता कितने का? 1200 का, 1500 का। मेरे लिए कितने का? तुम्हारे लिए 800 का हो जाएगा। इतना सस्ता? 400 रुपए कम कर दिए। नूर कम करेगा, रेट करना सही होते हैं। अच्छी पिशावरी चप्पल कितने की है? 1500 रुपए का लगा देगा। मुझे कितने की? तुम्हारे लिए 900 का लगा। 900 का? एकदम 600 कम कर दिया। रेट करना सही बात है। अच्छा, तो किसको जितवाना यहाँ से? जैसे पीटीआई को। ओ खैर, लाला लाला का जीता जाएगा इंशाल्लाह। जीतेगा? जीतेगा। बल्ले के शेर? बल्ले की नहीं जी, शेर की। शेर को जीतना? शेर को जी। जो भी आपने किसको? शेर को देना। जो भी आप? शेर को देना। आप जी? शेर। किसको जितवाना आपने? इस बार इमरान खान को जीतना। इमरान खान को? क्यों? नई हुकूमत आनी चाहिए।
पता चले कोई, चलो शायद कुछ ज़्यादा कोई इकदाम हो जाए। फिर मतियाना साहब है ऊपर, काम करेंगे। नहीं मतियाना साहब को थोड़ी देर, हम तो इमरान खान को देखना है। वो जो मर्जी जिसको मर्जी टिकट दे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो इमरान खान जीते। हाँ जी इमरान खान जी। जितवाना किसको है? पता नहीं जी किसको जिताना। फिर भी बल्ला या शेर? लब्बैक या रसूलुल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह, वेरी गुड। जितवाना किसको है? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। तहरीक लब्बैक या इंशाल्लाह। शेरों के सारे पिंजरे क्रेन से उठा देने हमने। और बल्ला भी तो है ना? नहीं बल्ला बुल्ला हम किसी को नहीं, सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। किसको जितवा रहे हैं अपने इलाके से? नून लीग या शेर? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, उसको जितवा रहा है इंशाल्लाह। आप भी जी? कोई करें, कोई सलाह सुन्नत वाला आ जाए, कोई निज़ाम मुसवा वाला आ जाए, उसकी कोशिश करेंगे। किसको इस दफ़ा जितवा रहे हैं अपने इलाके? आज़ाद उम्मीदवार सुहेल खान। सुहेल खान को जितवा? क्यों? ठीक है बंदे थे, शहर का आदमी है। बड़ी सीट पे भी ना, बड़ी सीटों को शौकत ला लेगा। शौकत ला लेगा, शौकत ला लेगा। किसको जितवा? नून लीग को। नून लीग को ठीक है, काम किए अच्छे काम किए। हाँ जी नून लीग वालों ने कोई काम नहीं, 10 साल हो गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, ना कोई रोड बनाया, ना कुछ किया, गटरों का पानी, ना पानी पीने का, कुछ भी नहीं किया उन्होंने 10 साल हो गए। आप तो यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, ये सही बात कर रहे हैं? ये तो नौजवान है, कल के बच्चे। नहीं जी नहीं, अस्पताल जाके देखो नया बना है, सड़कें गली गली फरुखाबाद की नहीं बनी है। पहले होती थी? नहीं। कब से बनी है? ये इसी दौर में बनी है, 2013 से। हाँ जी। सुहेल खान जिंदाबाद। सुहेल खान को मैं कहना बड़ा बड़ी सीट पे किसको? बड़ी सीट को क्या कहते हैं उसके भाई है क्या, आजम खान अक्कू का, उनका भी इंतखाबी जन टांगा, उसको देना। असी टांगे नु वोट देना लाला। क्या प्लान है, किसको जितवाना अपने लगे? नून लीग के शेर? शेर को जी। शेर को देना। कोई और तो पार्टी नहीं लेनी? कोई तांगा, कोई और पार्टी, किताब, कोई नहीं? इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे। शेर ठीक है? ठीक है जी ठीक है। शेर ने काम किया? बड़े की हैं, बड़े की काम। बल्ला वो कह रहे हैं अपने अपनी चॉइस है, लेकिन आपको अच्छा शेर लगता है? इंशाल्लाह शेर आएगा, इंशाल्लाह शेर आएगा, शेर आएगा इंशाल्लाह। अभी आप बताए ना कि इस अपने इलाके में किसको जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा, पूरे पाकिस्तान से बल्ला जीतेगा। बल्ले की तो हवा ही नहीं है, सारा गाढ़ है नून लीग का। नहीं हवा ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। वैसे नून लीग ने काम शाम किए हैं आप? ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, मैं तो आपको स्पेशल आया हूँ। मैं नून लीग वालों को चैलेंज करता हूँ कि पूरे बहावलनगर में दिखा दें कहीं काम किया। हमारे जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हमें 2 साल लेट भी मिल जाए। और मिल जाए, मिल जाए। क्यों नून लीग ने टिकट ली? नून लीग जी पार्टी फंड्स के नाम पे पैसे ले रही थी। राणा साहब अकरबा परवी करते हैं, अपने बेटे को उन्होंने चेयरमैन बल्दिया बना दिया, अपने दामाद को काउंसलर बना दिया, इस पर आपकी क्या राय है सर? ये क्या किया? ये अब लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अभी बात की लोगों से। आपकी बात यह मैं मान लेता हूँ। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक बार फिर से आप कैंडिडेट हैं, बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर विक्ट्री। क्या क्या काम कर चुके हैं आप इस इलाके के लिए? इन द पास्ट 14 ईयर्स यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है ड्यू टू पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस रुका हुआ था, उसकी वजह से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, अबव 400 विलेजेस न्यूली इलेक्ट्रिफाई हमने करवाए हैं। 400 विलेज 2013 में उसमें बिजली नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी। गुड। और इस तरह हमारे पानी का यहाँ पे बहुत मसला है, वाटर सप्लाईज का नीचे का पानी कड़वा है। इंडिविजुअली स्कीम्स तो नहीं बता सकूंगा, बट वाटर सप्लाईज की मद में वी क्रॉस्ड 1 बिलियन रुपीज। रियली? जी। फिल्टर प्लांट्स की? फिल्टर प्लांट्स का अब थोड़ा काम में चोर हो रहा था आखिरी साल में, मगर आखिरी साल में सुप्रीम कोर्ट ने हमें फंड्स में थोड़ा सा इशू क्रिएट किया, बट जितने मेन स्टेशंस हैं हमारे कमर्शियल स्टेशंस हैं वहाँ सारों पे जो है हमने फिल्टर प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं। दूसरा रोड सेक्टर्स जो है इसकी डिटीरियरेशन बहुत ज़्यादा थी रोड सेक्टर्स में, इट्स हार्ड टू बिलीव बट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 अरब खर्च किया। नहीं अच्छा किया, कहोड़ रोड्स का काम। तो सीवरेज के लिए कुछ किया, कुछ उसके लिए प्रेशर डाला, क्योंकि 2.5 फुट तो पानी आम से खड़ा हो जाता है। सर सीवरेज का थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि वो उसमें हमारी कोशिश तो होनी चाहिए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसमें एक फ्लॉ है। जब तक वो फ्लॉ नहीं दूर होगा तब तक वो हल नहीं हो सकता। बट जो डोमेन तो मेरी है, मेरे नीचे ही एमपी हैं, उन्होंने काम काफ़ी किया है, पहले की नस्बत बहुत बेहतर है। सर वैसे आपके बारे में शिकायत है लोगों की कि आप लोगों से बहुत कम मिलते हैं, घोल मिल दर आपका कम है मतियाना साहब से की नस्बत।
बहुत सारे लोग लोगों को मेरे काम से मतलब होना चाहिए जी, मेरी गपों से तो नहीं होना चाहिए। आपकी शख्सियत का भी तो होता है ना फिर फैक्ट। नहीं, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, काम करने के लिए आए। वैसे तुम सारा दिन फिरते रहे तो बहुत अच्छी बात है। नून पीटीआई में ज्वाइनिंग, उससे पहले आप नून लीग में ज्वाइन हुए, फिर पीटीआई में ज्वाइन हो गए, क्यों नून लीग ने टिकट ले लिया? नून लीग जी पार्टी फंड्स के नाम पे पैसे ले रही थी। मेरे अपोनेंट ने 3 करोड़ रुपया उन्हें पार्टी फंड के नाम पे दिया, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने एमपीए का टिकट दिया। लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं ऐसी पार्टी में रहूं जिसका लीडर पैसों के साथ टिकटें दे, तो मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी, उनको सूबाई टिकट वापस कर दिया और 2013 में मैं पीटीआई के प्लेटफार्म पे आकर इलेक्शन लड़ा। और चंद दिन थे, 47,000 वोट अल्लाह के फजल से मिला। इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरे मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा तकरीबन 1-to-1 मुकाबला था, इस दफ़ा 3 उम्मीदवारों में मेरा एंटी वोट तकसीम हो रहा है। अच्छा सर, जो आपका पैनल है, मुझे ये भी खबर मिली है कि उसमें से किसी एक को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपने पैनल के साथ आज़ाद उम्मीदवार को साथ लेके? बात ये है जी कि पैनल के कुछ तरीके होते हैं, अभी तक मैं दूसरे कैंडिडेट के साथ चला नहीं, लेकिन बात ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ मेरे एमपीए की तरफ से भी ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी शिकायत करनी चाहिए सेक्रेटेरिएट? सर मैं से देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेंटली कोऑर्डिनेशन नहीं होगी अगर पैनल के दरमियान तो वो कैसे चलेंगे। एमएनए से बात की है अभी लालिका साहब से, उन्होंने कहा है कि जी वजारत सेहत बेसिकली बनने नहीं जी देने जा रही, वही रोड़े अटका, वही वजह भी वही थी ना जी कि इसके वो जो लवाजमात जो उसके लिए ज़रूरी थे, वो मिसाल के तौर पे 500 बेड का अस्पताल ज़रूरी था, वो मुकम्मल हो गया है। इसी तरह आपको मशीनरी और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब तक पूरी नहीं होती उस वक्त वो पीएमडीसी देती ही नहीं। सर साफ़ पानी के लिए क्या हुआ? साफ़ पानी के लिए जी यहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ साफ़ पानी प्रोजेक्ट, तो उसमें से तो भावनगर का कोई हिस्सा नहीं था, पहले फेज़ में और तहसीलें थी, लेकिन हमने वाटर सप्लाईज रूरल और अर्बन, इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह सोच से मैं माफ़ी मांग के कहता हूँ, तकरीबन 100% भावनगर मेरे एमपीए बनने से पहले यहाँ रोज़ाना जुलूस निकलते थे, रोज़ाना रोड्स ब्लॉक होती थी, बीबियाँ गढ़े तोड़ तोड़ के सड़कों पे फेंकती थी। मैं अभी गंदा पानी देख के आया, नलके से निकलता हूँ। नहीं जी वो तो फिर अब ये तो मेरा ख्याल है सीवरेज साथ मिला हो, मैं खुद देख के। नहीं जी ये तो उसमें तो ये तो प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह है जी, पानी मिक्स जिनको तो नहीं रोका जा सकता। सीवरेज के लिए क्या हो? सीवरेज का जी हमारा सीवरेज का जो निज़ाम था मेरे एमपीए बनने से पहले, यहाँ अगर कभी बारिश आ जाती थी तो एक एक महीना पानी नहीं निकलता था। अब ये इतनी शदीद तरीन बारिशें हुई हैं, 8 से 10 घंटे हद 12 घंटे के अंदर अंदर सारा पानी शहर क्लीन हो गया, ये चेंज नहीं है जी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये था जनाब बहावलनगर की राय, बहावलनगर ने किसको जितवाना है आपके सामने हमने पेश कर दिया, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो स्विंग फैक्टर्स हैं, इनकी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो हमने आपको बता दी हैं। तो मैं ये रेलवे जंक्शन की सैर करने जा रहा हूँ आपके साथ, आप भी इंजॉय कीजिए। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान, रेलवे जंक्शन की इंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, फैसला हक आपका उसकी एक नई किस्त लेकर हाजिर खिदमत है, और आज हम पहुंचे हैं बहावलनगर सिटी में, बहावलनगर ज़िले में हम एंटर हुए और उसके बाद हम भावलपुर सिटी में आए, क्योंकि यहाँ की डायमेंशन बहुत अलग तरह की है, यहाँ की सियासत बहुत अलग तरह की, यहाँ के बड़े फेमस सियासतदान हैं
तो हमने सोचा ज़रा बहावलपुर नगर इसके भी हालात जानते हैं, इनके मामला जानते हैं। यहाँ की जो सीट है सिटी की वो NA167 है। यहाँ पर पहले 167, अब तो 167 है, लेकिन पहले NA189 हुआ करती थी और PP279 हुआ करती थी और PP280 हुआ करती थी। आलमदाद लालिका साहब जो कि अब्दुल सत्तार लालिका साहब के बेटे हैं, वो यहाँ पर नून लीग के टिकट से जीते थे। राणा अब्दुल रऊफ साहब जो नून लीग के कैंडिडेट थे, उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली की 279 PP279 जीती थी। इसके अलावा मियाँ मुमताज़ महारवी, ये वाहिद एक सीट थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर सूबाई असम्बली की जीती थी। और इसके अलावा इसकी 5 तहसीलें हैं और बहावल नगर एक बड़ी ही अहम जगह है, जो कि बहावलपुर की जो रियासत थी, रियासत बहावलपुर थी, उसकी एक निज़ामत थी। उस वक्त ये शहर नहीं हुआ करता था और जब यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो वहाँ पर एक जंक्शन था, रोझा वाली जंक्शन बनाया गया था और यहाँ का एक मेन रेलवे स्टेशन था जो कि मुंबई से सीधा कनेक्ट करता था कराची को, और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का ट्रैक था जो कि अब ज़ाहिर है काम नहीं करता है। अब जो है इसकी 5 तहसीलें हैं, मंचनाबाद, बहावलनगर, चिश्तियाँ, हरूनाबाद और फोर्ट अब्बास, ये 5 इसकी तहसीलें हैं। जैसे ही हम हवेली लखा से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, मंचनाबाद से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डायमेंशन चेंज हो रही है। ये वो वाहिद लिंकेज है जहाँ पर पंजाबी जबान और सराइकी ज़ुबान का संगम होता है। इसके बाद से फिर सराइकी ज़ुबान का आगाज़ हो जाता है। वो जो पंजाब की मीठी बोलियां हैं उसकी जो डाइवर्सिटी लाहौर से शुरू होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता कसूर की बेल्ट के साथ साथ होती हुई साहिवाल, मंचनाबाद, हरूनाबाद और बहावल नगर से होती हुई, अब ये जब मुल्तान को टच करती है तो फिर साथ ही उसके बाद इसी के बाद सराइकी शुरू हो जाती है। यहाँ पर 2 डाइवर्सिटीज़ हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो रिपोर्ट देख लें कि यहाँ पर कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, मर्द खवातीन वोटर्स की तादाद कितनी है, फिर उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। NA167 बहावल नगर 2 सिटी। इस हलके में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,97,417 है, जिसमें खवातीन वोटर्स की तादाद 1,61,535 और मर्द वोटर्स की तादाद 2,17,882 है। इस हलके में कुल पोलिंग स्टेशन्स की तादाद 289, जिनमें खवातीन वोटर्स के लिए 61 और मर्द वोटर्स के लिए 76, जबकि 152 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन्स कायम किए जाएंगे। इस हलके में असल मुकाबला PTI के मियां मुमताज मतियाना और नून लीग के साबिक MNA मियां आलमदाद लालिका के साथ मुतवक्के है और इसे भी कांटेदार मुकाबला ही गर्दाना जा रहा है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, यहाँ की बड़ी अलग तरह की डायनामिक्स है। ज़रा पहले बात करते हैं नून लीग के साबिक MNA और अभी के उम्मीदवार मियां आलमदाद लालिका। ये मियां अब्दुल सत्तार लालिका साहब के बेटे हैं जो कि बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है, वजीर रह चुके हैं कई बार। अब्दुल सत्तार लालिका काफ लीग के बानियों में इनका शुमार होता है और ये अभी जो उम्मीदवार हैं मियां आलमदाद लालिका यंगस्टर हैं, अभी कुछ अर्सा पहले इनकी शादी हुई है। अच्छा विजन रखते हैं इनका जो है, इन्होंने 95,000 वोट लेकर लास्ट टाइम 2013 में कामयाब हुए थे। इसके अलावा इनके बहनोई हैं इमदादुल्ला भोसाल जो शहबाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी थे, और ये आमतौर पर राय पाई जाती है क्योंकि उनके बहनोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर खासा काम करने का मार्जिन उन्हें मिल गया, अप्रूवल्स मिलती रही हैं, उनका बहुत बेनिफिट हुआ और ये भी कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से वो बड़ा प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते रहे। जो मुमताज़ मतियाना साहब हैं वो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ खासे पुराने सियासतदान हैं, इन्होंने 78 से शुरू किया था, मेंबर ज़िला कौंसिल बने थे 1985 में, मुस्लिम लीग नून में इन्होंने शमूलियत की, तय हो गया कि मुस्लिम लीग नून में शामिल है और उम्मीद थी कि इन्हें 2013 में टिकट मिला था, लेकिन 2013 में इन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर इन्होंने PTI ज्वाइन कर ली। जो शहर की आबादियाँ हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी जो है वो शेख कुरैशी साहब कुरैशी की है, जो मलिक बरादरी दूसरे नंबर पर आती है, कारोबारी शेख जो भटिंडा से आए थे उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, शेख कुरैशी अलग और शेख जो बिजनेसमैन है वो अलग जो भटिंडा से है। आरआई फैमिली जो है वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। इसके अलावा जो देही हैं इलाके, वहाँ पर जोया लालिका और जोया फैमिली, सादात, वट्टू, आराई और राजपूत, ये देही इलाकों के अंदर जो कुरबो जवार के इसके साथ देते हैं, बहुत सारे देही इलाके हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस बनता है। इसके जो इलाके हैं मेन बेसिकली तो 4 ही हैं, भावलनगर सिटी है, डोंगा बोंगा है, चक मदरसा है, डोंगा बोंगा सब तहसील है। तो यहाँ के जो अहम मसाइल हैं ज़रा उनकी बात कर लेते हैं कि वो मसाइल क्या है। पीने के साफ़ पानी का बहुत बड़ा यहाँ मसला है, पीने का साफ़ पानी यहाँ ज़मीन से जो बोरिंग होती है वो दस्तयाब नहीं है, और ज़ाहिर है जो वाटर सप्लाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से, वो भी ज़मीन से सक किया जाता है, तो
दफा पानी है, वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं जगह जगह पर, लेकिन दूर है, मेन रोड्स के ऊपर लगाए गए हैं। सिटी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लगे तो हैं लेकिन नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा पुरानी पाइपलाइनें हैं यहाँ पानी की, जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है, जुज़वी तौर पर तब्दील करने की कोशिश की गई लेकिन उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। सीवरेज ज़्यादा पानी भी लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। ऐसे थोड़ी सी आधा घंटा घंटा एक बारिश हो जाए, तेज़ मूसलाधार बारिश, तो यहाँ से 2 और 2.5 फुट पानी खड़ा होना मामूल की बात है। पानी यहाँ पर ठीक ठाक खड़ा होता है, सीवरेज का नाकिस इंतज़ाम है, जो यहाँ के MPS हजरात की डोमेन में आता है वो नहीं कर सके, पानी का मामला था वो नहीं कर सके। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, भावलनगर मेडिकल कॉलेज, 2017 में वो कंप्लीट होना था लेकिन 2017 में वो कंप्लीट नहीं हो सका और इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि अब ये कंप्लीट हो जाएगा। MNA साहब से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, कब तक कंप्लीट होगा। रेलवे ट्रैक यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, बड़ा अहम रेलवे ट्रैक है, जो मुंबई से इस जगह पर आता था वो बड़ा अहम रेलवे ट्रैक था, कराची से भी आता था, लिंक करता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो नहरी पानी का है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ दरिया सतलुज बहता है, एक तो कुदरती मसला है कि पानी आ नहीं रहा है और उसने खासा डबोया है, और चूंकि इन दिनों बारिशें हो गई हैं तो पानी ने थोड़ी बहुत बचत कर दी है, अदरवाइज़ यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा, दरिया सतलुज आपको पता है कि पानी रुक रहा है उसका, तो वो बहुत बड़ा मसला पड़ा। दूसरा बड़ा मसला यह है कि जब पानी मिलता है 6 महीने के लिए, शमाई है नहर होती है, 6 महीनों के लिए जब मिलता है पानी, तो वो पानी बेसिकली नज़र हो जाता है रिश्वत का, माफिया के पर नज़र हो जाता है और पानी कम दस्तयाब होता है, रिश्वत दी जाए और उसके मुताबिक किया जाए और एक पूरा माफिया उसमें काम कर रहा है। मुकाबला खासा सख्त है, नून लीग के दरमियान में भी स्विंग फैक्टर्स आए हैं, PTI के हक में भी स्विंग फैक्टर्स आए हैं, तो ये जो स्विंग फैक्टर्स बने हैं ये यहाँ की डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये है जनाब भावलनगर की सूरत हाल, आवाम में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, और इन दोनों बड़ी सीटों के जो उम्मीदवार हैं NA167 के, तो जरा उनसे बात करेंगे, वो क्या राय रखते हैं, क्या काम कर लिए उन्होंने, क्या करने बाकी हैं। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आवाम में चलते हैं, अब हम जा रहे हैं आवाम के दरमियान में, आवाम से हम बात करेंगे। ना लाहौर ना कसूर ना ते छांगा मांगा, भावलनगर दा इक्को शहजादा आ उंदा निशान तांगा। जूता कितने का? 1200 का, 1500 का। मेरे लिए कितने का? तुम्हारे लिए 800 का हो जाएगा।